जी, एक तरफ भारत में ये कहा जाता है कि जो टीचर हैं ये राष्ट्र की धरोहर हैं और राष्ट्र निर्माण में इनकी बहुत भूमिका रहती है, उसके बावजूद आप दिल्ली के अंदर और इस सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है शिक्षक धरोहर ही नहीं, शिक्षक इस देश की धरोहर को बचाने का काम करता है। और जब शिक्षक के खुद अधिकारों के ऊपर, शिक्षक के मान सम्मान की लड़ाई की बात आती है, उस पर अत्याचार होता है, तो शिक्षक एक विनाशकारी भी हो सकता है। क्यों? इसलिए विनाशकारी हो सकता है कि जब शिक्षक के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है, तो शिक्षक सड़क पर भी उतरना जानता है। जब वो सड़क पर उतार सकता है तो उतरना भी जानता है। सर, एक जिम्मेदार जो इस पूरे दिल्ली का जो शासन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे से धोखे में साइन करा लिए गए, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात अभी हम जब डेलीगेशन में गए थे, LG साहब ने खुद स्वीकार किया है कि मैंने जो आदेश किया था वो प्रमोशन में की जो सीटें थी उन्हें भरने के लिए किया था, एडोक बेसिस वाला मेरा ऑर्डर नहीं है ये। और मेरे सामने खुद RN शर्मा जो उनके सचिव हैं, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं मिला, सेक्रेटरी सर्विसेज को फ़ोन किया, सेक्रेटरी सर्विसेज से बात आती है कि वो सर नहीं है यहाँ पर। तो तब हमें LG से मिले और LG ने कहा ये गलत है, क्योंकि ये प्रमाण इसलिए दिया गया कि जब वहाँ पर सेक्रेटरी सर्विसेज ने फ़ोन किया उसको शर्मा जी ने, तो वहाँ पर उन लोगों के पास जवाब नहीं था, और ये हम कमीशन में भी देख चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है। सर, आगामी योजना क्या रहेगी और आज जो आपको जो जवाब दिया है, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, आश्वासन जो दिया है इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो हम नेक्स्ट अपने साथियों को, फिर प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति के, उसके लिए हम अपना धरना देंगे और अपनी बात को उनके सामने कहेंगे जा करके।